केरला के अंदर ये जो आईसीएस और कन्वर्जन वाला इशू है, इसमें ये भी कहा जाता है कि सिर्फ तीन ही तो केस हैं इतनी बड़ी आबादी में। देखिए एक्चुअल कितने केस हैं वो डेटा हमारी एजेंसीज के पास है और वो पब्लिक है, लेकिन इसको कहना कि ये सिर्फ तीन ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई सेल से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहां पे बात हो रही है एक अडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसीएस ज्वाइन करवाने की। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को अगर करोड़ों रुपए भी दोगे तो जाके आईसीएस नहीं ज्वाइन करेगा। आप सोच के देखिए सिर्फ एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। जबकि एक केस नहीं है, एग्जैक्ट डेटा आपको अभी पता चल जाएगा। जो भी कह रहा है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, आप एनआईए की चार्जशीट, स्पेशल पेटिशन लीव, कोर्ट के ऑर्डर, केरला के जो सीएम है उनकी रिपोर्ट्स, उनके बयान, ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आप शेयर करिए जो भी ऐसा कह रहा है।